हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, दैट इज म्यूजिक. ओके, इसमें जो चैप्टर है दैट नेम इज लता मंगेशकर एंड द क्वीन ऑफ द मेलोडी. ओके, मेलोडी का मीनिंग क्या होता है? जिसकी वॉइस जो होती है वो बहुत ही स्वीट होती है, जैसे जो कोयल होती है. ओके, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसकी भी क्या मेलोडियस वॉइस है. इन द सेम वे द लता मंगेशकर हैज़ ऑल्सो मेलोडियस वॉइस. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई, यहाँ पे बताया गया है कि म्यूज़िक और जो डांस हैं, ओके, ये हमारे इंडियन कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ओके, तो जो म्यूजिशियंस हैं उन म्यूजिशियंस ने क्या है, हमारे जो इंडियन म्यूज़िक है उसको वर्ल्ड के स्टेज पर उसको लेकर गए हैं, जहाँ पर लोगों को ये पता लगा है कि इंडियन म्यूजिशियंस में इतना ज़्यादा टैलेंट है. ओके, नाउ यहाँ पर आप फोर पिक्चर्स दी हुई है, वी हैव टू मैच देम. ओके, सो शिव कुमार शर्मा, दिस ही इज़ द मैन हु इज शिव कुमार शर्मा, ही इज़ अ संतूर प्लेयर. ओके, नाउ दैट इज़ अमजद अली खान, ही इज़ अमजद अली खान. हरिप्रसाद चौरसिया, दिस इज़ हरिप्रसाद चौरसिया एंड जाकिर हुसैन, द लास्ट वन इज जाकिर हुसैन. ओके, नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर. ओके, इट वॉज 28 सितंबर 1929, ए हैप्पी डे फॉर द मंगेशकर फैमिली. ओके, 28 सितंबर 1929 का दिन था, बहुत ही हैप्पी डे था, मतलब एक खुशी का दिन था मंगेशकर फैमिली के लिए. ओके, शी इज़ अवर फर्स्ट बॉर्न अ बेबी गर्ल, वट शैल बी नेम हर, शिवांती. पंडित दीनानाथ मंगेशकर लुक फॉन्डली एट हिज डॉटर. ओके, तो जो पंडित दीनानाथ होते हैं अपनी बेटी की तरफ, उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है. ओके, वो उनकी पहली बेटी होती है. ओके, तो वो अपनी जो वाइफ होती है शिवांती, उनसे पूछते हैं कि हम उसका नाम क्या रखेंगे. ओके, तो उसकी जो मदर होती है शिवांती, वो क्या बोलती है, लेट अस कॉल हर हेमा, हम इसका नाम, हम इसको हेमा बुलाएंगे. ठीक है, बट अ फ्यू डेज लेटर पंडित दीनानाथ हैड अनदर आइडिया, ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट, देर वॉज अ फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड लतिका इन प्ले ही वॉज एक्टिंग इन. बट कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पंडित दीनानाथ के पास एक दूसरा आइडिया आता है. अब पंडित दीनानाथ थे कौन, एक क्लासिकल सिंगर. क्लासिकल सिंगर मतलब कि जो हमारे सांस्कृतिक, मतलब एक होता है जैसे हमारे आप लोग सुनते हो ये जो म्यूज़िक आप आजकल सुनते हो जैज म्यूज़िक और ये सब, ये क्लासिकल नहीं है. ओके, क्लासिकल म्यूज़िक कौन से होते हैं, जैसे सारे गामा हैं, ये हमारे क्या हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के साउंड्स हैं. ओके, और थिएटर आर्टिस्ट मतलब जो थिएटर में काम करता था. ओके, तो वो क्या कहते हैं, उनके वहाँ पे क्या होता है, एक फीमेल करेक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, लतिका होता है, जो वहाँ पे थिएटर में ही एक्टिंग करती होती है. ओके, तो वो कहते हैं, शिवांती आई वॉन्ट टू नेम द बेबी लता, मैं बेबी का नेम लता रखना चाहता हूँ. सो द बेबी वॉज नेम्ड लता, तो उसके बाद उस बेबी गर्ल का क्या नाम रखा गया, हेमा से चेंज करके लता रख दिया, लतिका से इम्प्रेस होकर उसके फादर दीनानाथ ने. ओके, लता शोड द पोटेंशियल इन एक्टिंग एज वेल एज म्यूजिक व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग. तो जो लता होती है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में अपने टैलेंट दिखाना या अपने जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी किसी एक चीज़ में डाल देना. जैसे मान लो किसी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, तो अपना फुल, अपना जो फुल एनर्जी होती है, फुल टैलेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक फुल पोटेंशियल जो हम शो करते हैं, दैट इज़ नोन एज द पोटेंशियल. तो जो लता होती है वो भी अपना फुल पोटेंशियल शो करती है एक्टिंग में भी और म्यूज़िक में भी. ओके, एंड स्टार्टेड accompanying her father to the studios. At the age of 5, she began to act in her father's musical plays. The parents also get her admitted to a good school. अब उसके बाद क्या होता है, वो अपने फादर के साथ ही, accompanying का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जाना, अपने फादर के साथ ही वो स्टूडियो में जाना स्टार्ट कर देती हैं. जब वो 5 साल की होती हैं तो जो उसके फादर की म्यूजिकल प्लेज होते हैं, मतलब जो ड्रामा होते हैं एक तरह से, जैसे आप लोग स्कूल में मान लो कोई फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, कि मान लो हम किसी चीज़ से कोई, जैसे सेम एनवायरनमेंट को लेके हम कुछ प्ले करते हैं या एक्ट करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, प्लेज होते हैं. तो म्यूजिकल प्ले में भी वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है. ओके, उसी टाइम उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको स्कूल में भी एडमिशन दिलवा देते हैं.
ठीक है। पंडित दीनानाथ वॉज सरप्राइज टू सी दैट द चाइल्ड स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर हर फर्स्ट डे। ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट द मैटर वॉज। पंडित दीनानाथ सरप्राइज होते हैं, मतलब सरप्राइज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो और एकदम से हमें पता लगती है तो हम क्या होते हैं, सरप्राइज होते हैं उस चीज़ को देख के। ओके, अगर मान लो आपके पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो आप क्या होते हो, सरप्राइज होते हैं। हम लोग बोलते भी हैं हम सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। ओके, तो उसके पेरेंट्स पापा जो होते हैं पंडित दीनानाथ, वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि एक दिन स्कूल जाने के बाद मेरी बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, अब जो शिवांति होती है वो अपने स्माइल को छुपा नहीं पाती, कुड नॉट हाइड अ स्माइल। व्हाई डोंट यू आस्क हर योर सेल्फ, शी रिप्लाइड। वो उससे कहती है कि आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते हो। ओके, लता व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। पंडित दीनानाथ आस्क्ड हिज डॉटर कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, उसके फादर उससे पूछते हैं। वेल बाबा आई वॉज ओनली टीचिंग सॉन्ग्स टू द अदर चिल्ड्रन एंड द टीचर स्टॉप्ड मी। मैं दूसरे बच्चों को सॉन्ग्स टीच कर रही थी, सिखा रही थी और टीचर ने मुझे रोक दिया। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू द स्कूल बिकॉज दे वुड नॉट लेट मी सिंग। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, नहीं जाऊंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी बिकॉज वो मुझे गाना नहीं गाने देंगे, वो मुझे सिंग नहीं करने देंगे। ओके, तो पंडित दीनानाथ कुड नॉट हेल्प बट स्माइल एट द लिटिल गर्ल्स डिटरमाइंड आंसर। ओके, पंडित दीनानाथ क्या होते हैं, अपने स्माइल कुछ हेल्प नहीं कर सकते, इवन उनको स्कूल तो नहीं भेज सकते ज़बरदस्ती अगर उन्होंने डिनाई कर दिया। मान लो अगर किसी ने स्ट्रांगली बोल दिया कि वो मुझे गाना नहीं गाने देंगे तो मैं इसलिए स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो क्या है, उनके फादर इसमें कुछ हेल्प तो नहीं कर सकते, उनको कुछ कर तो नहीं सकते हैं और अपने उनको बहुत ही मतलब स्माइल फेस करते हुए उनको लगता है कि मेरी बेटी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। डिटरमाइंड आंसर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब कुछ डिफिकल्ट हो फिर भी हम उसमें सक्सीड हो जाएं, हमें उसमें सक्सेस मिल जाए। तो क्या था कि स्कूल छोड़ना डिफिकल्ट तो था बट फिर भी उसने छोड़ा, क्यों, क्योंकि वो सिंगिंग छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब 1942 में क्या होता है, मैं लता वॉज जस्ट 13, हर फादर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज। 1942 में क्या होता है, उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से। बाय दिस टाइम देर वर फोर मोर चिल्ड्रन इन द फैमिली। उस टाइम क्या होता है, घर में चार बच्चे और होते हैं, मीना, आशा, उषा एंड हरदेनाथ। द फैमिली फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज एट दिस टाइम। तो फैमिली क्या हो करती है, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर में। अब एक बात बताइए, आपके घर में कोई अर्न करने वाला होता है, वो मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी, क्योंकि हमें उसके लिए हम टोटली उसी पर डिपेंड होते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम उनकी फैमिलीज भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करती है। ओके, अब जो क्लोज फैमिली फ्रेंड होता है विनायक दामोदर कर्नाटकी केम टू द फैमिलीज हेल्प। अब जो विनायक दामोदर होते हैं वो फैमिली की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। ही वॉज ओनर ऑफ ए फिल्म कंपनी नवयुग चित्रपट। वो एक फिल्म कंपनी के ओनर होते हैं जिसका नाम क्या होता है, नवयुग चित्रपट, एंड हेल्प लता गेट स्टार्टेड इन हर करियर एज अ सिंगर एंड एक्ट्रेस। और लता की हेल्प करते हैं उसका करियर स्टार्ट करने में एज अ सिंगर और एज अ एक्ट्रेस। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं।